योग के कार्यक्रम भी ध्यान को आवासीय माध्यम से करने पड़े हो, लेकिन हमने वो भी किए। ये कोरोना की दूसरी लहर में भी योग से निरोग अभियान हमने चलाया और वो भी आवासीय माध्यम से। 3000 योग प्रशिक्षकों ने लाखों लोगों को जो अकेले में रह रहे थे संक्रमण के कारण, उनको योग से निरोग करने में सफलता प्राप्त की। हमारे संस्कृति योग भी हमारा अभिन्न अंग है संस्कृति का, जिसको आज सारी दुनिया मान्यता दे रही है। मतलब स्वस्थ रहने के लिए लोग योग कर रहे हैं। हमारे आयुर्वेद की बात, अभी हमने एक बैठक की थी, देवारण्य करके एक योजना बनाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी वन औषधि जड़ी बूटियां खजाना है, उसका भंडार है, उसका भंडार। और हमारे वनों में रहने वाले भाई बहन अभी भी कई बैठे हैं जो जानते हैं, उनका ज्ञान भी और इन जड़ी बूटियों का संग्रहण करके और फिर इससे आयुर्वेदिक दवाइयां बना के बिना किसी दूसरे प्रभाव के। नहीं तो एक औषधि अगर हम लेते हैं जिसमें रसायन वगैरह होते हैं तो फायदा कम होता है, नुकसान उसका ज्यादा होता है। देवारण्य योजना में ऐसी जड़ी बूटी इकट्ठी संग्रहण करना, तो उससे हमारे वनों में रहने वाले भाई बहनों की आय बढ़े, फिर उससे औषधियां निर्माण करना और निर्माण करके फिर दुकानों तक और जिनको आवश्यकता है बीमारी में उन तक पहुंचाना, वैद्य के हमारी जो परंपरा है उसको जीवित रखना, तो देवारण योजना के तहत वो करेंगे। लेकिन आज तो मैं बहुत आनंदित हूं कि संस्कृत भारती और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने मिलकर इस सप्ताह का आयोजन किया। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हो और बीच में भी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री भी यहां बैठे हुए, हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे इस शिक्षा के माध्यम से भी विद्यार्थियों को संस्कृत का ज्ञान हो। अलग अलग ऐसे अनेकों संस्थान, उन सबको भी जोड़ के, क्योंकि कई संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, कुछ संत चला रहे हैं, संस्कृत पाठशालाएं चल रही है। सरकार ये भी कोशिश करती है कि कैसे उनको संरक्षण दिया जाए ताकि वो ठीक से काम करती रहे, ताकि हमारे ज्ञान का जो संचित भंडार है पीढ़ियों दर पीढ़ी संत महर्षि, और मध्य प्रदेश की तो जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, इसलिए ज्यादा बनती है कि दो आदि गुरु अगर देखें, एक भगवान श्री कृष्ण, उन्हें संदीपनी गुरु के पास आश्रम में आके उज्जैनी में ही हमारे महाकाल महाराज की नगरी में शिक्षा प्राप्त की, और आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज गुरु की खोज में वो आए ओंकारेश्वर, उनको गुरु गोविंद गौड़पाद जी ने। तो मध्य प्रदेश में ही ज्ञान या विद्या प्राप्ति के लिए वो आए हैं, तो मध्य प्रदेश की तो जवाबदारी और जिम्मेदारी और बड़ी है, दायित्व और बड़ा है, हम संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के और भी गंभीर प्रयास करें।
और मध्य प्रदेश की सरकार, महर्षि पतंजलि संस्थान, संस्कृत भारती, अन्य और संस्थाओं और संतों के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक बार पुनः मैं आपको संस्कृत सप्ताह के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद आपसे। दो मिनट हम लोग बैठते हैं, फिर मैं अगले कार्य।